देख रहे हैं न्यूज़ अब तक। मैं हूं आपके साथ नवरतन जोशी। आइए डालते हैं नजर दिनभर की खास खास सुर्खियों पर। पेड़ों को काटे जाने के प्रकरण मामले में तहसीलदार को हटाए जाने के लिए बिश्नोई समाज में आक्रोश। प्रशासन को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर रायसी नगर में किसानों द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिखाए गए काले झंडे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वर्चुअल दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को मिली उपाधि व मेडल। योग से सरकार व निदेशक का ध्यान किया आकर्षित। बेरोजगार सारे शिक्षकों का धरना आज भी रहा जारी। झोपड़े में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। मार्केट के विरोध में मूंगफली की खरीदारी का किया बहिष्कार। कल भी थी खरीद प्रभारी के साथ मार्केट। अब खबरें विस्तार से। गुरु जम्भेश्वर भगवान ने जिस स्थान से पर्यावरण का संदेश पूरे विश्व को दिया था, वहीं से एक वृक्ष नहीं अपितु दर्जनों वृक्ष एक साथ काटे जा रहे हैं। इसकी शिकायत करने पर नोखा तहसीलदार पदाधिकार को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा, जिसको लेकर अखिल भारतीय जीव रक्षा और बिश्नोई महासभा के पदाधिकारियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर शनिवार को बिश्नोई महासभा व अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा के पदाधिकारियों ने नोखा में SDM व बीकानेर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नोखा के तहसीलदार को हटाए जाने की मांग करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पदाधिकारियों ने बताया कि 3 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो बिश्नोई समाज जन आंदोलन करेगा। नोखा उपम के मुकाम गांव, जहां से भगवान गुरु जम्भेश्वर महाराज ने पर्यावरण का संदेश देते हुए पेड़ों को नहीं काटने तथा अधिकाधिक वृक्ष लगाए जाने का संदेश दिया था, उसी मुकाम गांव स्थित एक खेत में दर्जनों हरे खेजरी वृक्षों पर आरा चलाते हुए उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा व जीव रक्षा के पदाधिकारी ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की थी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे नोखा तहसीलदार ने इन संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी से पेश आए वो आवेश में आकर अपना आपा भी खो बैठे तथा शिकायत करने वाले पदाधिकारियों के पीछे दौड़ पड़े। इस आशय का वीडियो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि कभी स्थानीय प्रशासन वृक्ष काटने की अनुमति देता है तो कभी उसको रद्द कर देता है। ऐसे में जब तक अनुमति रद्द होती है तब मौके पर पेड़ कट चुके होते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन पर कई सवाल या निशान खड़े करते हुए बिश्नोई महासभा व जीव रक्षा के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को 3 दिनों में नोखा से हटाए जाने की मांग करते हुए जन आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। आइए आपको दिखाते हैं वो नजारा जहाँ पर तहसीलदार द्वारा पदाधिकारियों के साथ बदसलूकी करते हुए पाए गए। अरे आप तो नहीं बताए क्या क्या बकवास की मेरे से। हाँ की बात नहीं, की बात नहीं, कोई सूचना ही नहीं दे सकता आपको। कौन देगा आपको सूचना? ये बताओ आप क्या कर लेगा। व्यापार मंडल की ओर से आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के लाइव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को काफी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने रायसी नगर व सादुलसेल आए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को काले झंडे दिखाए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायसी नगर में यह घटना ट्रक यूनियन के पास हुई। रोचक यह रहा कि किसानों ने विरोध का ऐलान पहले ही कर दिया था। पुलिस ने इसे टालने के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम भी किए थे, फिर भी किसान मेघवाल को काले झंडे दिखाने में कामयाब रहे। किसानों ने मोदी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कानूनों को वापस लेने की मांग की। इससे एक बार की स्थिति तनावपूर्ण भी हो गई। प्रदर्शन कर रहे कुछ युवकों ने केंद्रीय मंत्री के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग तक उतार दिए, फिर उनका काफिला भी रोक दिया। काफी मशक्कत व पुलिस की समझाइश पर काफिला वहां से निकल पाया। प्रदर्शनकारियों में किसान सभा के राकेश ठोलिया, अरविंद सिंह सामक, बॉबी बराड़, विक्रम सिंह सहित अनेक किसान नेता मौजूद रहे। वृंदावन, वृंदावन,
मुर्दाबाद। मोदी सारा टेम्पू है, मोदी सारा टेम्पू है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का वर्चुअल पांचवा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। कुलाधिपति व राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व विशेष अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री गौर सिंह बाटी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। इस मौके पर वर्ष 2018 बैच के मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई तथा डॉक्टरेट की अवधि पूर्ण करने वाले तथा मेधावी छात्र छात्रों को मेडल भी दिए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में नैतिकता रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि नैतिकता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उसके बिना जीवन में सफलता मिलना मुश्किल है। समारोह में 50 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल व 72 विद्यार्थियों को विद्या वाचस्पति सहित अभ्यर्थियों को डिग्री प्रदान की गई। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सहित समस्त विश्वविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। उर्दू आनम, मास्टर ऑफ साइंस जैव प्रौद्योगिकी। आशिमा ढींगरा, बैचलर ऑफ लॉस प्रोफेशनल। प्रशासनिक और न्यायिक सुधार कर उनकी प्रगतिवादी सोच ने बीकानेर के लोगों के उत्थान को सम्मिलित होना मेरे लिए गौरव का विषय करने के लिए सुश्री सुमन श्यामी जी और ICSI सिग्नेचर अवार्ड प्राप्त करने के लिए सुश्री। वर्ष 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। निदेशालय के आगे धरनार्थियों ने शनिवार को योग के माध्यम से राज्य सरकार व निदेशक का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी मांग को दोहराया। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से अब तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है, जिसको लेकर प्रदेश में अपनी नियुक्ति की उम्मीद जगाए बैठे बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों में खासा रोष व्याप्त है। इसको लेकर प्रदेश भर से बेरोजगार शारीरिक शिक्षक निदेशालय के आगे धरने स्थल पर पहुँच रहे हैं। संपूर्ण प्रतीक्षा सूची हम हमारा हाथ मांगते हैं, हम हमारा हाथ मांगते हैं। पीटीआई एकता जिंदाबाद, पीटीआई एकता जिंदाबाद। संपूर्ण पीटीआई प्रतीक्षा सूची जारी करो, जारी करो। संपूर्ण पीटीआई प्रतीक्षा। सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जा रही मूंगफली की मांग का बहिष्कार करने के लिए एक बार फिर गांव की मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा। गौरतलब है कि गोडो स्थित मंडी में सरकार की ओर से स्वीकृत खरीद केंद्र प्रभारी कर्णपाल सिंह के साथ शुक्रवार शाम को किसानों ने मारपीट व अभद्रता की थी। इसके विरोध में शनिवार को ग्रामीण अंचल के अन्य खरीद केंद्र प्रभारियों ने भी खरीदारी का बहिष्कार किया, जिसके चलते खरीद केंद्रों पर मूंगफली नहीं तुल पाई। केंद्र प्रभारी ने बताया कि कल गौड़ो समर्थन मूल्य खरीद केंद्र प्रभारी के साथ मारपीट हुई थी। उनके साथ भी इस प्रकार की घटना हो सकती है, जिसके चलते खरीद का बहिष्कार किया गया है। जब तक सरकार व प्रशासन की ओर से खरीद केंद्रों पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं होते, तब तक समर्थन मूल्य केंद्रों पर मूंगफली की खरीदारी नहीं होगी। मूंगफली की सरकारी खरीद चल रही है, जिसमें क्या है कि कल शाम को गौड़ो मंडी के अंदर किसानों द्वारा खरीद प्रभारी श्री कर्णपाल सिंह जी के द्वारा मारपीट की गई, जबकि कार्य सही तरीके से सुचारू रूप से किया जा रहा है। उसके बावजूद भी किसानों द्वारा खरीद कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है और उनके साथ में जो मारपीट की गई है वो कल को हमारे सेंटर में भी हो सकती है। इसलिए हम अपने सेंटर के खरीद कार्य का बहिष्कार करते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, और इसके लिए हमारे लोग पुलिस प्रशासन की सुरक्षा प्रदान करवाई जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। उखाओ खिलाओ, रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाहे मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी, स्वाद लो नमकीन का। बीकाराम जान माल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का।
अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड bhikaramchanmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। कोरोना की मार से सिर्फ बीकानेर ही नहीं पूरा विश्व भी अभी तक उबर नहीं पाया है। उसके बावजूद ही बीकानेर में कोविड 19 के दौरान संविदा पर लगाए गए कर्मचारी को बेदखल कर उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। मामला बीकानेर के सुपर स्पेशलिटी कोविड 19 सेंटर का है, जहां संविदा पर काम करने वाले लगभग 50-60 संविदा कर्मियों को बिना किसी नोटिस के शनिवार को हटा दिया गया। इसको लेकर इन संविदा कर्मियों में खासा रोष व्याप्त है। इन्होंने इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए पीबीएम अधीक्षक के सामने अपना पक्ष रखा। सुपर स्पेशलिटी कोविड 19 सेंटर में संविदा पर अटेंडेंट के पद पर काम करने वाले विशाल सोनी ने बताया कि कोविड जैसी महामारी के दौरान उन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल अपनी सेवाएं दी। इसके बावजूद शनिवार को जब ड्यूटी पर पहुंचे तो संविदा कार्मिकों को हटाए जाने का दो टूक जवाब देते हुए निकाल दिया गया। सरकार आपके बारे में सोच रही है तथा आने वाले समय में आपको स्थायी भी किया जा सकता है, ऐसा अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, किंतु अचानक अब बेरोजगार होकर हम जाए तो कहां जाए। सुपर स्पेशलिटी सेंटर बीकानेर में जब से कोविड आया है तब से हम कार्यरत हैं। हम अटेंडेंट की जॉब कर रहे हैं। हम कम से कम 50 से 60 बंदे हैं जिन्हें हमें कोविड काल में लगाया गया है। आज हमें बिना कारण बताए प्रशासन ने हमें बेरोजगार कर दिया है। अब हमारे पास कोई भी किसी प्रकार का भी कोई रोजगार नहीं है। अब हमारी मांग यही है कि हम चाहते हैं कि भाई हमें कोई रोजगार मिले। जब हम लगे थे तो हमें ये बोल के लगाया गया था कि आगे आने वाले समय में आप कोविड जैसी महामारी में काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में सरकार आप पे कोई ऐसा एक्शन लेगी जिससे आप परमानेंट भी हो जाओगे, पर आज सरकार की सारे वादे झूठे गए हैं। अब स्थिति आ गई है कि ना हमारे पास ना कोई काम है ना कोई धंधा है, रोटियों के भी लाले बढ़ रहे हैं। अब हम प्रशासन से यही सवाल कर रहे हैं कि अब जाए कहाँ। जब लगाए गए तो क्या कहा था आपको कि आप कोविड में ड्यूटी कर रहे हो, आगे आने वाले समय में आपको सरकारी सुविधा पे ले लिया जाएगा, आपको आगे आने वाले समय में परमानेंट भी कर दिया जाएगा। और ऐसी महामारी में हमने काम किया है और आज हमें ये फल मिला। बीकानेर में आगजनी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीकानेर के छतरगढ़ तहसील के अंतर्गत केला गांव स्थित एक किसान के झोपड़ी में आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची भारतीय किसान संघ की टीम तथा आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग की लपटों की हवा ने गति दी और देखते ही देखते पूरा झोपड़ा जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक सालम खा अपने खेत में झोपड़ा बनाकर रह रहा था, अचानक उसके झोपड़े में आग लग गई। गनीमत रही आगजनी के वक्त सालम खा व उनका पूरा परिवार खेत में काम कर रहा था, अन्यथा जन हानि भी हो सकती थी। इस आगजनी में सालम खा को 3-4 लाख रुपए का नुकसान होने की आशंका है। सूचना मिलने पर वहां पहुंची छतरगढ़ पुलिस ने मौका मुआयना किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बता दें कि इससे पहले भी ग्रामीण अंचल में आगजनी की घटनाओं में बड़े नुकसान के साथ जन हानि भी हो चुकी है। 300-400 क्विंटल नीरा जल गया और एक गरीब आदमी के गाड़ा, बाकी जो भी झोंपड़ा है और लकड़ियां भी है इसके साथ, और पशु जो चराने के लिए वो खेली है वो भी है साथ में। कम से कम 3-4 लाख का नुकसान हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गंगा शहर स्थित मोदी बगेची में जंगलेश्वर महादेव मंदिर में विशेष कार्यक्रम पूजा अर्चना भाजपा पदाधिकारी द्वारा रखी गई।
इस मौके पर मंदिर में शिवलिंग का विशेष रूपों से फूलों से सजाया गया। फूलों से शिवलिंग को भाजपा का ध्वज केसरिया व हरा दिया गया और एक और पार्टी का चिन्ह कमल तो दूसरी ओर अटल लिखा गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक प्रजापत, पूर्व जिला उपाध्यक्ष किशन मोदी आदि कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। पंडित पंकज व पंडित परमेश्वर व्यास के वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा महादेव का अभिषेक किया गया तथा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। नमः नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम भूर्भुवस्व श्री शांब सदाशिवाय नमः मृत्युंजयाय नमः महादेवाय नमः श्री जंगलेश्वर महादेवाय नमः चरणारविंदे ध्यानम पुष्पम समर्पयामि नमः। अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी ने सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। बताया कि यह रिपोर्ट मंत्रालय कर्मचारियों की वेतन बढ़ाने के लिए सरकार को सौंपी गई थी, उसे एक साल से भी अधिक वक्त हो गया है, सरकार उसे सार्वजनिक नहीं कर रही। प्रदेश अध्यक्ष मनीष विधानी ने यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने हेतु डीसी सामंत सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में 30/11/2017 को सामंत कमेटी गठित की गई। इस समिति द्वारा अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बावजूद भी दो बार कार्यकाल बढ़ाया गया। संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गहलोत ने अवगत कराया कि सभी संगठन राज्य सरकार से बार बार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना यह दर्शाता है कि कर्मचारियों के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस विषय में शुक्रवार को संघ की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें संघ के संभाग अध्यक्ष जसपाल सिंह, संघ के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री मधुसूदन सहित अनेक कर्मचारी व पदाधिकारी शामिल हुए। द्वारा जो सामंत कमेटी बनाई गई थी, आज उस कमेटी को 16 महीने हो चुके हैं। 16 महीने उस कमेटी ने रिपोर्ट उसको सरकार को प्रस्तुत करे हुए 16 महीने हो चुके हैं, पर आज तक उस रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। वो कमेटी कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी और कमेटी द्वारा जो निर्णय लिए गए उसको सार्वजनिक सरकार नहीं कर रही है। इससे ये मंशा सरकार की स्थापित होती है कि वो कर्मचारियों का हित नहीं चाहती है। तो सरकार को हमने आज पत्र लिखकर ये मांग करी है कि वो सामंत कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करें, जल्द से जल्द सार्वजनिक करें और मंत्रालय कर्मचारियों को हित में। शर्मा गेट स्थित काली माता मंदिर में 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। मंदिर के पुजारी कमल व्यास ने बताया कि पंडित मेंटिया महाराज ज्योतिष बोध संस्थान की द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मलमास के उपलक्ष्य में 56 भोग का प्रसाद लगाया गया है। कमल व्यास से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। हर मास चल रहा है, मीन धनु की संक्रांति में मार्च इसका महीना जब आता है तो भगवान के 56 भोग लगाए जाते हैं और इसी उपलक्ष में आज विश्वकर्मा गेट के अंदर काली माता मंदिर में पंडित मेंटेवरा ज्योतिष बोध संस्थान द्वारा ये 56 भोग का आयोजन। चलते चलते एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खास सुर्खियों पर। काटे जाने के प्रकरण मामले में तहसीलदार को हटाए जाने के लिए बिश्नोई समाज में आक्रोश, प्रशासन को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर रायसीनगर में किसानों द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिखाए गए काले झंडे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के वर्चुअल दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को मिली उपाधि व मेडल। योग से सरकार व निदेशक का ध्यान किया आकर्षित, बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों का धरना आज भी रहा जारी। झोपड़े में लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। मार्केट के विरोध में मूंगफली की खरीदारी का किया बहिष्कार, कल भी थी खरीद प्रभारी के साथ मार्केट। आज फिलहाल इतना ही, न्यूज रूम से नवरतन जोशी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज अब तक। नमस्कार।
आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है। तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।